हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी और यमी मटन दम बिरयानी। ये सिंपल और टेस्टी मटन बिरयानी की रेसिपी है, स्पाइसी और चटपटी बनके तैयार होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे खुला पानी चावलों के लिए उबलने के लिए रख दिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ गरम मसाले, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, हरी इलायची, काली इलायची और बादियान, 2 से 3 फीकी वाली मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है देसी घी, आप इसके जगह पे ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून, अच्छे से भर के ऐड किया था मैंने। और नींबू का रस हम निचोड़ लेंगे, तो बींज आपने हटा लेना है। और रस मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया है, इससे चावल खिले खिले और छुट्टे बन के तैयार होते हैं। ये है 1/2 किलो एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे दावत का लिया था और इसको मैंने वॉश करके पहले 1/2 घंटा भिगो दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर ले और ये देखिए 5 से 7 मिनट बाद ये चावल 90% कुक्ड है। इसके अंदर कनी नहीं होनी चाहिए, ये हार्ड बॉयल्ड है, मुशी नहीं होना चाहिए। पानी निकाल के साइड में रख लेंगे। प्रेशर कुकर लिया है, आप चाहे तो पतीले में भी बघार सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो 4 मीडियम साइज का प्याज स्लाइस कर लें और वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसका हमने बिरिस्ता बना लेना है, तो मीडियम फ्लेम पर इसको हम फ्राई कर लेते हैं जब तक कि अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता है। दूसरी तरफ मैंने लिया है 1/2 किलो मटन। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन, 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च में थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट बना लिया है, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड कर लिया है। नींबू का रस, 1/2 छोटे नींबू का रस आपने ऐड कर लेना है। इससे ये बहुत ही चटपटी सी बनके तैयार होती है। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गई है तो उससे ये बैलेंस हो जाता है। थोड़ा सा मैंने ऐड कर लिया है नमक मटन के हिसाब से। 1/2 चम्मच ऐड किया था लाल मिर्च, क्योंकि मेरी हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी। 1/2 चम्मच भर के ऐड किया है जीरे का पाउडर और 1 चम्मच भर कर ऐड किया है धनिया पाउडर। साथ में हम इसमें ऐड कर लेंगे दही। तो मैंने यहाँ पर लिया है 150 से 200 ग्राम दही। गाढ़ा दही इस्तेमाल करें तो ग्रेवी बहुत अच्छी फॉर्म होगी, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था। इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इंस्टेंट ही बनाया था, तो बस इसको मिक्स कर लें और ये हमारा मैरिनेटेड मटन तैयार है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था गार्निशिंग के लिए, बस 1/4 हिस्सा के आसपास। और इस बाकी बचे हुए प्याज में हमने ऐड कर लेना है मैरिनेट किया हुआ मटन। तो बाउल में जो भी मसाले थे वो भी मैंने निकाल कर ऐड कर लिए हैं और मीडियम फ्लेम पर इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं प्याज के साथ। इसको कम से कम मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हमने फ्राई कर लेना है, ताकि जो दही है और मटन है उसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। मैं हल्दी ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच अभी ऐड किया है। आप चाहें तो मैरिनेट करते टाइम ऐड कर लें और इसकी भुनाई अच्छे से कर लें मीडियम फ्लेम पर। बीच बीच में आपने चला लेना है जब तक मसाला थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता है और ऑयल सेपरेट होता हुआ दिखाई नहीं देने लगे। कुछ टाइम बाद ये देखिए 3 से 4 मिनट ऊपर हो गया है, आप देख सकते हैं बीच में ऑयल सेपरेट होता हुआ दिखाई देने लगा है। थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी, ऑलमोस्ट 1/2 ग्लास के आसपास, क्योंकि हमको थोड़ी ग्रेवी भी चाहिए इसमें और इसको हमने प्रेशर कुक कर लेना है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो 1/2 ग्लास पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। मैं यहाँ पर कुछ खड़े गर्म मसाले भी इसी समय ऐड कर दे रही हूँ। आप चाहे तो नीचे आप ऑयल में भी ऐड कर सकते हैं या फिर मैरिनेट करते टाइम आप ऐड कर सकते हैं। तो तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, हरी इलायची और 1 बादियान ऐड किया है। बस इसको मिक्स कर लें और फिर हमने प्रेशर कुकर का लिड कवर कर लेना है। 3 से 4 विसल मीडियम फ्लेम पर लगाया था मैंने। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से गला लें, जितना मटन टाइम ले गलने के लिए उतना। तो हमने मटन को भी ऑलमोस्ट 90 to 100% कुक कर लेना है। जब प्रेशर कुकर पूरा ठंडा हो जाए तो आपने फिर इसको चेक कर लेना है। मटन यहाँ पे बहुत अच्छे से टेंडर हो गया था, ग्रेवी अच्छे से फॉर्म हो गई है और ऑयल भी ऊपर सरफेस आउट हो गया है। अगर इसमें पानी बहुत कम है तो 1/2 कप पानी आप ऐड कर लें, क्योंकि हमने इसके ऊपर चावल दम करना है। तो मैं इसको अभी ट्रांसफ़र करूँगी एक दूसरे पतीले के अंदर। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी इसको कुक कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको नीचे स्प्रेड कर लें। इसके ऊपर जो हमने राइस बॉयल किया था वो राइस सारा हमने यहाँ पर इस तरह से ऐड कर लेना है। थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे खूब सारे कटे हुए हरे धनिए के साथ। थोड़ा सा पुदीना ऐड कर लें, हरी मिर्चों को स्लिट करके ऐड कर लिया है। थोड़े से मैंने यहाँ पे स्लाइसेस टमाटो के अरेंज कर लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तला हुआ प्याज जो मैंने निकाल लिया था वो मैं ऊपर से गार्निश कर रही हूँ इसके ऊपर। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला लिया है, उसको मैंने छिड़क दिया है। थोड़ा सा हम देसी घी ऐड कर देंगे, इससे चावल मॉइस्ट बन के तैयार होते हैं, फ्लेवर एनहांस होता है। फूड कलर ऐड करना ऑप्शनल है, आप पसंद नहीं करते तो स्किप कर दें। मैंने ऑरेंज और थोड़ा सा
येलो कलर ऐड किया था। केवरा एसेंस 2-3 बूंद मैंने ऐड किया था, आप चाहें तो उसकी जगह बिरयानी एसेंस ऐड कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में जो ग्रेवी बच गई थी उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके किनारों पर से ऐड कर ले, ताकि अगर नीचे थोड़ा सा पानी कम है तो अच्छे से वो स्टीम बन जाए और जले नहीं बिरयानी। बस गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ही छोड़ा था मैंने ताकि वेसल गर्म हो जाए, और सिमर पर मैंने इसको 20 मिनट के लिए दम किया है। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर लिया था और 10 मिनट उसी तरह छोड़ दिया था, और उसके बाद अभी मैंने बिरयानी को खोला है। एक बार मैं इसको मिक्स करती हूँ, ये देखिए बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी बनके तैयार हुई थी, नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपका था। ये स्पाइसी, टैंगी और बहुत यमी लगता है ये खाने में। आप चाहें तो ईद के एक दिन पहले तैयारी करके रख सकते हैं, पर बकरा ईद है तो आपको इसको इंस्टेंट अगर बनाना है तो आप उसी दिन भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रूर ट्राई करिएगा ये स्पाइसी और टेस्टी मटन बिरयानी, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।